सैनिक पुलिस एक सिक्के के दो पहलू हैं। सेना जहां देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, वही पुलिस आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा कि अगर देश की जनता चैन की नींद कर रही है तो वह पुलिस की वजह से है। उन्होंने शनिवार को मंगलपेट के पास पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित पुलिस शहीद दिवस समारोह में पुलिस बल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर बोल रहे थे। देश की नागरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए पुलिस दिन रात अपनी जान जोखिम में डाल रही है। उन्होंने कहा कि आज अगर देश में शांति, सुशासन और कानून व्यवस्था है तो वह पुलिस विभाग के कारण है। हाल ही में हमारे राज्य में निवेशकों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसके लिए परोक्ष रूप से पुलिस विभाग जिम्मेदार है। कर्नाटक वर्तमान में सर्च वॉल्यूम में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि अगर कोई निवेशक किसी राज्य में निवेश करना चाहता है तो उसे पहले वहां की कानून व्यवस्था को समझना चाहिए और फिर निवेश करना चाहिए। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल ने बताया कि 21 अक्टूबर 1959 को भारत चीन सीमा के लद्दाख क्षेत्र में सीमा सुरक्षा के लिए 20 सैनिक तैनात थे। उसी समय चीन ने हमला कर दिया। भले ही भारतीय सैनिकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, फिर भी हमारे 10 पुलिसकर्मी चीनी सैनिकों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी याद में हर साल 21 अक्टूबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस दिन हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद हुए पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया जाएगा। इसी अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक ने पिछले वर्ष देश में शहीद हुए 189 पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के नामों का पाठ किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम, बीदर के उप वन संरक्षक वनथी एमएए, बीदर वायुसेना के ग्रुप कमांडर रितेश शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघनावर, बीदर के पुलिस उपाधीक्षक शिवनगौड़ पाटिल, हमनाबाद के पुलिस उपाधीक्षक जेएस नेमेगौड़ा, भालगी के पुलिस उपाधीक्षक शिवानंद पावर शेट्टी, बीदर डीआर पुलिस उपाधीक्षक सुनील कोडली, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, जिले के गणमान्य व्यक्ति एवं अन्य उपस्थित रहे। एंकर एवं संवाददाता अश्विनी रेड्डी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस या फिर पुलिस शहीद दिवस आज हमारे बीदर में आयोजित किया गया है। हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। पुलिस हमारे समाज का मूलभूत आधार है। अगर पुलिस ना हो तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज उन सभी पुलिसकर्मियों को डेडिकेट करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है या फिर पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ख़ास तौर पर ये 1959 में शुरू किया गया था उन 10 पुलिसकर्मियों के लिए जिन्होंने चाइना भारत युद्ध बॉर्डर पर अपनी जान गंवा दी, अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, जो आज हमारे बीदर में आयोजित किया गया है और देश भर में ये दिवस मनाया जाता है। इवर मेले हठात् आक्रमण भारतीय योधर केवल रईफल सुसज्जितरू सह वैरी आधुनिक शस्त्र बहुसंख्यलू सह धैर्य दृढ़ निश्चय ಹೋರಾಡಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಡಿಎಸ್ಪಿರವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 10 ಜನ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರು ವೀರಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಶೌರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ 10,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸೈಚಿನ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಳಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ವರ್ಷ ಚಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 18,000 ಅಡಿ ಮಾರ್ಗ ದಾಟಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಸದಿಂದ ಚೀನಾದ ಸೈನಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ವೀರಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.